आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जोर पकड़ रहा है। कुल केस 500 के भी पार चले गए हैं। हालांकि इस पर काबू पाने के लिए कड़ी कवायद भी हो रही है, लेकिन सबके बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिस पर अब सियासी माहौल भी गर्माने लगा है। भूपेश सरकार ने हाल ही में कुछ कड़े फैसले लेकर वित्तीय अनुशासन पर जोर देने और अनावश्यक खर्च में कटौती करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में रोक लगाने और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं देने की बात कही थी। वहीं अब सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती के प्रस्ताव पर भी विचार शुरू कर दिया है, जो न तो कर्मचारियों को रास आ रहा है और न ही विपक्ष को, लिहाजा इसे लेकर विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। हालांकि मुश्किल वक्त में ये विरोध कितना जायज है, इस पर आज विस्तार से बात होगी। साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनावी दंगल के नतीजे क्या आते हैं, इसकी भविष्यवाणी अभी से तो नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों को देखकर लगता है कि उपचुनाव आम चुनाव जैसे रोचक और कड़े होंगे। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके नतीजों पर मौजूदा प्रदेश सरकार का भविष्य टिका है। खैर, प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी ये तो नतीजों से तय होगा, लेकिन उसके पहले स्वराज एक्सप्रेस हर उस सीट पर जाकर सर्वे कर रहा है जहां उपचुनाव होना है। अब तक कई सीटों के सियासी समीकरणों के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आज हम आपको उस विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे जहां से चुनाव जीतकर मंत्री बनने के बाद भी प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस से बगावत कर दी और अब यहां उपचुनाव हो गए। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां कटौती पर कोहराम मचा। तो मौजूदा समय में कोरोना के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति है। लंबे लॉकडाउन के चलते उत्पादन लगभग ठप है, जिसके कारण हर तरफ वित्तीय संकट का खतरा पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुछ कड़े फैसले लिए, जिसके बाद राज्य के कर्मचारी संगठन सरकार के विरोध में खड़े हो गए। साथ ही विपक्ष ने राज्य में आर्थिक आपातकाल का आरोप लगाते हुए इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, चलिए इसके पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती करने वाले प्रस्ताव पर विचार क्या हुआ, कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ होकर विरोध करने में जुट गए। इधर विपक्ष प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए सरकार को कोस रहा है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा हुई राशि पर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि गांवों के क्वारंटाइन सेंटरों को कितनी राशि दी गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह के मुताबिक राज्य में आर्थिक आपातकाल की स्थिति है। वहीं विपक्ष के आरोप पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, विपक्ष केवल आलोचना कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहा है। कि आपने मुख्यमंत्री के नाते जो कोविड-19 आने के बाद सीएम रिलीफ फंड से कितना पैसा हमारे गांव के क्वारंटाइन सेंटर को दिया है बताने को तैयार है। जनता के सामने मैं बार बार बोलता हूँ, श्वेत पत्र जारी करो। मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी को ऊपर भाजपा की सारी इन बातों की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो अपना दायित्व और फर्ज निभा रहे हैं। कुल मिलाकर वित्तीय संकट इन दिनों सियासत के केंद्र बिंदु में है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट ने दोनों राजनीतिक दलों को एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया है, लेकिन संकट की इस स्थिति से कैसे उभरा जाए, इसकी चिंता फिलहाल किसी में दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कटौती पर कोहराम, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बलियानी जी हैं। बलियानी जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और नमस्कार जी। नमस्कार। कर्मचारी नेता विजय झा जी हैं। झा जी, आपका भी स्वागत है। स्टूडियो में हमारे सर्वेश पत्रकार अग्नोत्री जी, आपका भी स्वागत है। पहले गुप्ता जी, एक छोटा सा सवाल है। आप भी जानते हैं ऐसी महामारी एक सदी के बाद आई है, देश में आई है, पूरे विश्व में आई है,
1918-19 की बात करें तब स्पेनिश फ्लू आया था, अब ये जो कोरोना आया है, ऐसे समय में विपक्ष विरोध करे सत्ता पक्ष का, उसका हक है, लेकिन ऐसी स्थिति में विरोध करे, अरे जो वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है तो कहीं ना कहीं से कुछ तो प्रबंधन करना पड़ेगा, ऐसे में विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाए सत्ता पक्ष पे, विरोध करे, ये क्या उचित लगता है क्या नरेश जी? आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी विरोध के लिए विरोध नहीं कर रही है, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने की है जी। सारे चीजों को वो पॉलिटिकलाइज करना चाहती है जी। वो स्वच्छ वातावरण में कोरोना के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। आप यदि बोलते हो कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है तो फिर बाकी चीजों का रोना नहीं रोना चाहिए, आप बोलिए ना, हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें पैसे की आवश्यकता है। आप दो चीज का स्टैंड नहीं ले सकते कि मेरी वित्तीय स्थिति बहुत सुदृढ़ है, हम सब चीज में सक्षम है, और उसके बाद यह अजीब सा बयान आता है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि केंद्र सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, जितना चाहे छाप ले। अरे कौन सी समझदार मुख्यमंत्री बयान देगा ऐसा? आप सोचिए, आप हर दूसरे दिन पैसे मांगने आ जाएंगे, सिर्फ पैसे मांगने के छोड़ कोई नहीं, आपको जितने पैसे आए हैं 216 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, सीएम रिलीफ फंड में जो पैसे आए हैं वो, आपके लेबर वेलफेयर बोर्ड में जो पैसे पड़े हैं वो, डीएमएफ में हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं वो, अरे आपके पास पैसे की कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी है आपके पास, और सरकार फेल हो चुकी है प्रबंधन करने में, आप उस पर व्यवस्था करिए, और कम इन द ओपन हैंड, यदि वाकई इसके बाद भी आपको लगता है प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बताइए, और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस बहुत बात की बात है, इस प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस महामारी से लड़ रहा है, इस हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक एक आदमी इस महामारी के लिए लड़ रहा है, तो सबको साथ में मिलकर इसके लिए लड़ना होगा, राजनीति ना करे कोई भी व्यक्ति इस पर। राजनीति तो विपक्ष के द्वारा, खैर आपने कहा है बल्यानी जी, नरेश जी कह रहे हैं, आप बताइए, आप उनको बता दीजिए कि हाँ वित्तीय स्थिति के कारण भाई 30% अगर कटौती करने जा रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मोदी जी भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनको इंक्रीमेंट हम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे बताने में क्या हर्ज है? नरेश जी बोल रहे हैं पूरा साथ देंगे, आप उनको बताइए, प्रबंधन की बात करेंगे वो साथ में आपके। ऐसा है, नरेश जी स्वयं आर्थिक मामलों के जानकार हैं जी, वो भी आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, मैं भी आर्थिक क्षेत्र में काम करता हूं जी। जब केंद्र की वित्तीय स्थिति खराब है जी, तो राज्यों की तो स्वाभाविक रूप से खराब होनी ही है जी। इसीलिए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 30,000 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा जी। और मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी जी, वित्तीय स्थिति की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण तो कोरोना है हाँ। ये महामारी नहीं होती तो न उद्योग धंधे बंद होते, न व्यापार बंद होते जी, न वित्तीय स्थिति खराब होती जी। तो ऐसे समय में केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि जिन जिन राज्यों में आर्थिक रूप से क्षति पहुंची है उनको मदद करे जी। वो ये मांग रहे हैं। अब मैं आपको आंकड़े दे दूं, अप्रैल मई 2019 में जीएसटी से रेवेन्यू था छत्तीसगढ़ का 1762 करोड़ रुपया हाँ। ये 2019 के बाद कर रहा हूं अप्रैल मई में, और अप्रैल मई 2020 में जीएसटी से आया 959 करोड़ रुपया मात्र, मतलब 803 करोड़ का शॉर्टफॉल सिर्फ 2 महीने में 803 करोड़ का जी। और ये जीएसटी सेंट्रल सब्जेक्ट हो गया है जी, तो क्या केंद्र के पास आंकड़े नहीं है जी? दूसरी बात, यदि राज्य के पास पेट्रोल डीजल पर हमको जो टैक्स मिलता है वेट के रूप में, तो पिछले साल अप्रैल मई 2019 में पेट्रोल डीजल से टैक्स मिला था वेट का 389 करोड़ रुपया, और 2020 में हो गया 180 करोड़ रुपया, मतलब 209 करोड़ का लॉस हो गया मात्र 2 महीने में, केवल 2 मद में ही 1012 करोड़ रुपए का लॉस है। ये आंकड़े बोलते हैं, सरकार के पास आंकड़े हैं, केंद्र के पास भी, राज्य भी रिपोर्ट करता है, और उसके बावजूद भी, क्योंकि जीएसटी में जीएसटी का पैसा केंद्र को लौटाना है राज्य को, आज भी जीएसटी का 1554 करोड़ रुपया केंद्र ने राज्य को नहीं दिया है। वो तो कई राज्यों ने नहीं दिया, प्रबंधन कई राज्यों का नहीं दिया है बरलानी जी, कई राज्यों को नहीं दिया है, मध्य प्रदेश का भी नहीं दिया है, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, नहीं पंजाब में 10,000 करोड़ नहीं दिया है। मेरा कहना है कि जब आपने जीएसटी लागू किया
तो उसमें आपने नियम बनाया था कि जो राज्यों का पैसा होगा उसको ऑटो ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों नहीं ऑटो ट्रांसफर कर रहे हो, हमारा पैसा रोक के क्यों रखे हो? तो इसके अलावा सबसे बड़ी चीज संकट छत्तीसगढ़ का ये है कि कोयले पर जो सेस मिलता है, अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं कि जीएसटी का पैसा केंद्र को भी नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला साहब, केंद्र में तो कलेक्शन आया है। व्यापार ही ठप है तो कहाँ से मिलेगा? या तो फिर जीएसटी में इतनी खामियां जो नहीं मिलेगा। गुप्ता जी एक मिनट, उनकी बात आ जाने दीजिए, नरेश जी उनकी बात आ जाने दीजिए, हम आपको मौका देंगे पूरी तरह से। बलियानी जी, तो ऐसी स्थिति में क्या कर्मचारियों का 30% कटौती करेंगे, उनके इंक्रीमेंट बंद करेंगे वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए? छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जी, न ही आज की तारीख में कोई ऐसा प्रस्ताव है कि 30% सैलरी काटेंगे। हमने तो मार्च अप्रैल मई बकाया पूरा पैसा दिया है, एक पैसा नहीं काटा है जी। तो भविष्य में काटने की कोई बात है, केवल इंक्रीमेंट रोका है जी, महंगाई भत्ता रोका है, इसको ब्लॉक किया है जी। देनदारी तो हमारी रहेगी कर्मचारियों के साथ में जी। और मैं तो कर्मचारी संगठन के नेताओं से कहूंगा कि वो इस राज्य के नागरिक हैं, ये महामारी का संकट है, तो ऐसे समय में राज्य तो कर्मचारी के साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो कर्मचारियों का भी दायित्व है कि वो राज्य के साथ खड़ा हो और केंद्र की जो जन विरोधी नीति है आर्थिक मामले में उसमें सरकार का साथ दे। केंद्र यदि पैसा पूरा देगा तो मैंने कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे आपकी स्थिति खराब है केंद्र की भी स्थिति खराब है, वो पूरे देश में उद्योग धंधे सब ठप हो गए हैं, मोदी जी ने ठप नहीं किया है, ये कोरोना की महामारी जो है उसके कारण ठप हुए। उसके लिए त्रिपाठी जी जी दिक्कत क्या है, मोदी जी को हिंदुस्तान के जो चुनिंदा अर्थशास्त्री हैं जी उनके साथ बैठकर इस मामले में कैसे कैश लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए बाजार में उस पर विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा जी। और ये जो नरेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि नोट छापना कोई जरूरी है क्या, अरे जब आर्थिक संकट आएगा देश के सामने तो नोट छापकर आपको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है बोल रहे हैं, 20 लाख करोड़ पैकेज नहीं है, वो लोन का पैकेज है, मात्र 2 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है जी। तो अभी आपने नोट दिए कहां है लोगों को जी जी जी। दुनिया के देशों में देखिए वो कैसे निपट रहे हैं, वैसे ही आप अर्थशास्त्रियों से बात करें, केवल आप ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रहेंगे और अकेले निर्णय लेंगे तो इस संकट का हल निकलेगा नहीं। ये कैसे आपको मालूम कि अर्थशास्त्रियों से बात नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ा? साहब सारे निर्णय पीओ में केंद्रित है, दुनिया जानती है जी। यदि लॉकडाउन के पहले मुख्यमंत्री से चर्चा हो जाती तो कुछ उस समय नतीजे दूसरे निकलते। आज प्रवासी श्रमिकों के चलते पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में संक्रमण के प्रवासी श्रमिकों का संक्रमण बढ़ गया, क्योंकि उनके पेट में अनाज नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पावर थी नहीं, एक गलत नीति के चलते हिंदुस्तान का गरीब लाचार श्रमिक मजबूर हो गया है। गलत नीति है कि लॉकडाउन का उन्होंने बताया नहीं, समय नहीं दिया उनको, 5-6-7-8 दिन समय देना था। बिल्कुल निश्चित लॉकडाउन करने के पहले हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों से, विपक्ष के नेताओं, विपक्षी दलों के नेताओं से भी चर्चा करते तो मैं सोचता हूं एक सामूहिक निर्णय से एक अच्छा प्रयास होता जी। आप सिर्फ 4 घंटे का समय देके लॉकडाउन कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन करने में देरी कर दी, पीओ में केंद्र थे, एक तरफ आप कह रहे हैं लॉकडाउन करने में देरी कर दी, बोले अरे आपके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कहा, राहुल जी ने कहा, प्रवक्ताओं ने कहा लॉकडाउन के पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी जी। जब आपको मालूम था दिसंबर में जी जी बल्यानी जवाब का सर, नरेश जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा विजय जी से बात कर ले। विजय जी, आप लोगों में कर्मचारियों में नाराजगी है, इंक्रीमेंट तो उन्होंने वेतन वृद्धि तो रोक ही दी है, वो साथ में ऐसी भी सुगुआट कि 30% कटौती होगी, इस बात को लेकर नाराजगी है आप लोगों में कि वेतन वृद्धि रोकने पर नाराजगी है? विजय जी, हमारे दोनों तीनों कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ में प्रदेश का 5 लाख अधिकारी कर्मचारी नाराज है। सरकारी कर्मचारी के जिंदगी में बहुत इल्जाम होते हैं, हमारी निगाहें साफ होती है फिर भी हम बदनाम होते हैं। मैं आदरणीय बल्यानी जी ने जो कहा कि 30% कटौती का कोई विचार और प्रस्ताव नहीं है, तो मैं ये सरकार का अधिकृत बयान मान करके प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों की ओर से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि 30% कटौती नहीं होगी। लेकिन 1962 में चाइना वार,
1965 में चाइना वार, 1971 में पाकिस्तान से वार, 1975 में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, लेकिन कभी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन भत्ता इंक्रीमेंट वेतन कभी नहीं रोका गया। कितना बड़ा आपातकाल होगा, मेरा सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, लेकिन विजय जी महामारी नहीं आई थी, कोरोना जैसे महामारी पूरा देश कर्फ्यू में नहीं चला गया था, पूरा देश कर्फ्यू में नहीं था। महामारी में भी बोल रहा हूँ, मैं तर्क दे रहा हूँ ना, महामारी में हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ में हैं। हमने 2 महीना एक एक दिन का वेतन कटाया। यदि वास्तव में आर्थिक संकट है और महामारी है तो 170 करोड़ रुपए का नया रायपुर में विधायकों के लिए विश्राम गृह बनाना जरूरी है क्या? 17 करोड़ रुपए का टेनिस स्टेडियम बनाना जरूरी है क्या? बूढ़ा तालाब का सफाई करना जरूरी है क्या? केवल आर्थिक मुद्दे पर मितव्ययिता का पूरा आधार केवल और केवल सरकारी कर्मचारी होगा। अभी कल आदेश जारी हुआ, विधायकों को प्रति माह 5,000 रुपया टेलीफोन भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, 5,000 के हिसाब से 90 × 5 4.5 लाख रुपया होता है। कौन 5,000 रुपया का टेलीफोन उपयोग करता है भाई साहब, मेरे को बता दीजिए। 500 रुपये में 2.5 महीना, और वो 5,000 रुपया जो इनको भत्ता मिलेगा विधायकों, उसमें मेरे दैनिक वेतन संविदा भोगी कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारी केवल 2,000 रुपए में काम करते हैं। आज देखिए, 2 बड़े अधिकारियों को संविदा नियुक्ति दिया गया है, उसमें 10-10 संविदा नियुक्ति के कर्मचारी निमित हो सकते हैं। मेरा तर्क है कि हम सरकार के साथ जान से जान लड़ा रहे हैं, मेरे कर्मचारियों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी हमको पुरस्कृत। आप क्या कह रहे हैं कि वेतन वृद्धि, आप क्या कह रहे हैं कि वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाए? बिल्कुल नहीं रोकी जाए, बल्कि वेतन वृद्धि को तुरंत दिया जाए। इस पार्ट में मेरा कर्मचारी पूरे देश में विजय जी रोक दी गई है, पूरे देश में, अकेले छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के हर राज्य में। नहीं, हमने जिस दिन केंद्र सरकार ने घोषणा किया छत्तीसगढ़ राज्य में, हमने तुरंत प्रदर्शन किया और मोदी जी को यही तर्क दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों को आप छटनी कर रहे हो, कितने लोग नौकरी से निकल गए। एक तरफ आप बोलते हो कोई नौकरी से नहीं निकलेगा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार बोल रहे हैं कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा, लेकिन लाखों लोगों को फैक्ट्रियों में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से भी निकाला गया, वेतन भी नहीं मिला है। आज पोस्ट ऑफिस के हजारों संविदा पोस्टमैन लोगों का वेतन नहीं दिया गया है, और उनसे बात करते हैं हम कि प्रधानमंत्री के आप नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं हमको कोई आदेश नहीं है। तो इस प्रकार अधिकारी कर्मचारियों को ही हम तो कहते हैं, हम स्वागत करते हैं कि जो अधिकारियों के गाड़ी में एसी लगा रहता है, काजू किशमिश खाते हैं, ये मीटिंगों में जो अपव्यय होता है पैसे का, उसको रोक लगाया। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बिल्कुल तर्क बिल्कुल सही है विजय जी आपका, हम बरलानी से इसका उत्तर लेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट में कटौती करें। एस्टेब्लिशमेंट सामान्य तौर पर बरलानी जी 52-54% एस्टेब्लिशमेंट खर्च होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा 65% से ऊपर एस्टेब्लिशमेंट खर्च है, उस पर अगर आप कटौती करते। खैर, बल्लेबाजी हम आपका सर नरेश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश जी, विजय जी का तो यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कर्मचारी विरोधी है, मतलब आपकी भी, केंद्र की सरकार भी कर्मचारी विरोधी है। रोका है डीए का इंक्रीमेंट नहीं, डीए को रोका है, जो एडिशनल डीए जो आ रहा था उसको रोका, उन्होंने घोषणा कर दी दो के हम दो इंस्टॉलमेंट जो इंक्रीमेंट आने हैं उसको रोकना है। देखिए, केंद्र सरकार से ये पैसे की मांग करते हैं आप, जीएसटी क्या केंद्र सरकार का रिड्यूस नहीं हुआ? केंद्र सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं केंद्र सरकार के पास बहुत पैसा है, नोट छापने, उनके पास नोट छापने की मशीन है। अरे मजाक हास्यास्पद बात मत करिए, आप किसी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, नोट छापने का इम्पैक्ट क्या होता है पूरा इकोनॉमी में, उसका सिस्टम क्या है, ये सारी चीज समझ के बात करिए। आप ऐसे को लोगों को भुलावे के लिए बात मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हैं कि कर्मचारियों का तनख्वाह काटेंगे, उनका वेतन काटेंगे, लेकिन आपके विधायकों ने आज तक एक पैसा काटा नहीं। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने विधायक निधि का और वेतन भत्तों का 30% सरेंडर करने का दे चुका है पत्र सरकार को, और पिछले कम विधानसभा सत्र के दौरान दिया था, जब स्पेशल सत्र चल रहा था तब। आप कल्पना करिए, कांग्रेस के लोगों ने आज तक इस पर कोई प्रयास नहीं किया। वो कर्मचारियों का तनखा कटेगा, वो राज्य के, प्रदेश के हित में लगेगा, लेकिन विधायक पूर्व विधायक साहब दे रहे हैं,
बल्लानी जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए, हम आप ही के पास आ रहे हैं। नरेश जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करिए। नरेश जी संक्षेप में, आप नरेश जी को कम समझेंगे, सत्तारूढ़ को ज्यादा समझेंगे, तो नरेश जी क्या कर सकते हैं। देखिए जब रमेश जी ने जो कहा कि उनके लोग पैसे दे रहे हैं, आप बता दो स्टैंडिंग कौन सा ऑर्डर उन्होंने या कौन सा आवेदन दिया कि हमारा 30% काट लो। अच्छा ये बताइए नरेश जी, नरेश जी कर्मचारियों का जो इंक्रीमेंट रोका गया है, वेतन वृद्धि रोकी गई है, उसके पक्ष में है क्या आप कि हाँ रोकने चाहिए? देखिए मैं इसके साथ सरकार के साथ ही मेरा अनुरोध है, आपने वेतन आपने डीए रोक लिया और वेतन वृद्धि के साथ 30% और कटौती, तो क्या कर्मचारियों को मार डालोगे? जो उन्होंने कहा तो दिया कि नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अरे बल्यानी जी कहा तो दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बल्यानी जी इस बात की घोषणा कर दे कि सरकार के पास ये सरकार नहीं करने वाली है, मैं मान जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। यदि सर ये बोल दिया तो इशू खत्म। मैं देखिए लेकिन सरकार उसके लिए जवाबदार होना चाहिए। चलिए नरेश एक मिनट, बल्यानी से उत्तर ले लीजिए। नहीं नहीं एक मिनट, मेरा त्रिपाठी साहब एक मेरा अंतिम वक्त है कि ये देखिएगा, ये जो डॉक्टर पुलिस अधिकारी निगम के कर्मचारी अधिकारी और शिक्षक कोरोना के वायरस के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनको उनका भी तनख्वाह काट रहे हो आप। उनको तो किट नहीं मिल रही है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है डॉक्टरों को, कहाँ चला गया जो लाखों की तादाद में N95 मास्क आया, उसका हिसाब प्रस्तुत कर दें। मजाक बना रखा है रायपुर मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टरों के पास जो दूसरे जगह काम कर रहे हैं उनको N95 नहीं है, मजाक है ये, तो बाकी जगह क्या होगा? नरेश जी उनका तनख्वाह काट रहे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में खड़े होकर काम कर रहे हैं उनका तनख्वाह भी काटोगे आप? अरे क्या मजाक कर रहे हो साहब आप, उनको दूसरे से उनको आपने इंश्योरेंस भी नहीं दिया। नरेश जी उत्तर ले लीजिए ना, बल्यानी से उत्तर ले लीजिए। बल्यानी जी एक तो पहला सवाल ये, उन्होंने कहा जो कह रहे हैं कोरोना वायरस जो है उनकी तो काटना कहीं से भी उचित नहीं है, वेतन वृद्धि रोकना भी कहीं से उचित नहीं है। विजय जी ने आपको धन्यवाद दे ही दिया है, आपने अगर उन्होंने कहा कि अगर ये अधिकृत रूप से कह रहे हैं कि 30% वेतन कटौती का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, 10% होगा 20% होगा 30%। नरेश जी एक मिनट, नरेश जी आपकी बात आ गई, अब आने दीजिए बात तभी तो होगा। दूसरा पाटी जी एक मिनट, बल्यानी जी एक हमारा कि अगर एस्टेब्लिश उन्होंने कहा है विजय जी ने जो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें कटौती करिए, जो मानक है 52% 53% उस पे लाइए, तो हो सकता है इनका वेतन वृद्धि रोकने की भी आपको जरूरत नहीं होती। एक एक अधिकारियों के यहाँ 6-6 गाड़ी है, एक एक अधिकारियों का खर्च आप देखिए पेट्रोल डीजल का। नरेश जी कह रहे हैं कि इनके विधायकों ने तो अपनी कटौती करवा ली लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने कोरोना फंड में कुछ भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री त्रिपाठी जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, नरेश जी उनकी बात आ जाने दीजिए, नरेश जी उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज, नरेश जी प्लीज उनकी बात आने दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी वालों को केवल भ्रम फैलाने की आदत है जी, इन लोग सत्ता से बाहर हैं तो छटपटा रहे हैं केवल भ्रम फैलाना जी। कहीं भी सरकार का प्रस्ताव नहीं है कि 30% की कटौती कर्मचारियों के नियमित वेतन में की जाएगी, ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस के विधायकों ने पूर्व विधायकों ने नेताओं ने सीएम रिलीफ फंड में बकाया पैसा दिया है, मैं स्वयं इसका बात का गवाह हूं, मैं पूर्व विधायक हूं, मैंने अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। तो इस तरह की बात करना कि कांग्रेस के लोग नहीं दे रहे गलत है। नंबर तीन जी, जो खर्चों में कटौती की बात है मैं आपसे सहमत हूं, इसलिए भूपेश बघेल जी ने सभी सरकारी अधिकारियों के 5-star होटल में रुकने पर पाबंदी लगाई है जी, बिजनेस क्लास में जाने पर पाबंदी लगाई है जी, अनेक जो भी खर्च हो सकते थे जिसमें कटौती करनी है उसमें की गई है। और मैंने भूपेश बघेल जी को पत्र लिख के कहा है कि जो आप ये व्यवस्था कर रहे हैं इसको स्थायी रूप से करिए जी, 5-star होटल 3-star होटल बहुत अंतर नहीं है। अरे आप पूरी तरह से होटलों में आपके सब जगह भवन है, आप वहां रोकिए ना, बहुत विशेष स्थिति में ही उनको दीजिए। सबसे बड़ी बात आप उनके टेलीफोन, एक अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके पास 3 विभाग है तो 3 विभागों की गाड़ियां उसके घर में खड़ी है, मंत्री से लेकर के उसका मंत्री से लेकर अधिकारियों तक सब में टेलीफोन पेट्रोल डीजल सब में एक लिमिट बांध दीजिए ना, विजय जी भी कह रहे हैं वो लिमिट त्रिपाठी जी बंधी हुई है। अभी जो होटलों में 5-star होटलों में या 3-star होटलों में कॉन्फ्रेंस होती थी
उस पर बैन लगा दिया गया है। तो इस तरह के स्टेबलिशमेंट में कटौती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी गाड़ियों में कमी की है जी, बिल्कुल। इस दिशा में पूरा सरकार का ध्यान है और मैं चाहूंगा कि कोरोना महामारी के बाद भी, जब कोरोना से मुक्त हो जाए उसके बाद भी यही व्यवस्था लागू रहे ताकि प्रदेश का जो स्थापना व्यय है उसमें कमी हो जाए जी। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस मामले में विचार कर रहे हैं और अग्रणी होकर निर्णय ले रहे हैं। वो बता रहे हैं विजय जी कि 170 करोड़ का विधायक विश्राम गृह बनवाने जा रहे हैं फिर से आप। अरे फिलहाल साल डेढ़ साल के लिए इसको स्थगित कर दीजिए विधायक। नहीं, जब विधायक विश्राम गृह की बात हुई थी उसको रोका गया है जी। केवल अफसरों के बंगले इसलिए बना रहे थे वहां पर नया रायपुर में जी, क्योंकि कोई अफसर भिलाई से आ रहा है, कोई रायपुर से नया रायपुर जा रहा है, 25-50 किलोमीटर आना जाना, जो पेट्रोल की बर्बादी हो रही है जी। समय पर अधिकारी मंत्रालय नहीं पहुंच पाते थे जी, इसलिए अफसरों के बंगले वहीं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना बंगला वहीं बनाया। यहां के चीफ सेक्रेटरी आरपी मंडल साहब वहां रहने चले गए नया रायपुर, इसीलिए एक उदाहरण देने के लिए कि सारे अधिकारी नया रायपुर में रहे ताकि उनकी आवाजाही पे जो पेट्रोल पे खर्च होता है जी वो खत्म हो और वो पूरा समय मंत्रालय में दे पाएंगे ताकि जनता के काम जल्दी से निपट पाएंगे। तो इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। बता दीजिए क्वारंटाइन सेंटर में आप लोग कितना पैसा दे रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर में बता दीजिए एक एक क्वारंटाइन सेंटर में खर्चा कौन हुआ? ऐसा है, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है नरेश जी। कोई अलग सेंटर को पैसा नहीं दिया जाता, ये सिस्टम होता है। हर जिले के कलेक्टर के पास फंड होता है, कलेक्टर को ये करता है। अरे आप तो ट्रेनों का किराया ले रहे थे, वो तो सोनिया गांधी ने जब कहा कि किराया कांग्रेस पार्टी देगी तब आपने जाकर किराया माफ किया। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने यूपी में जो बस दिया वो राजस्थान सरकार की पैसा से दिया, राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी। अरे किसी से भी दिया? अरे तो उसमें तो मजदूरी जाते ना, उसमें आपको राजनीति आ गई, उसमें भी तो मजदूरी जाते बेचारे। नरेश जी जब आपकी सरकार थी मजदूर चले जाते घर पहुंच जाते। नरेश जी जब आपकी सरकार थी 15 साल तो हर बातों पे आप सेहत पर जारी कर देते थे कि कितना फंड आया सेहत पर जारी करिए, क्वारंटाइन सेंटर को कितने दिया सेहत पर जारी करिए। आपने कितने सेहत पर जारी किए थे 15 साल? आपने क्वारंटाइन सेंटर में क्या पैसा आया, पैसा कौन खर्चा कर रहा है ये तो बता दो सरकार। अरे क्वारंटाइन सेंटर में पैसा जाता है क्या? वो तो कलेक्टर व्यवस्था करता है भाई, आप सिस्टम तो समझो। आप कोई नहीं कर रहे, क्वारंटाइन सेंटर सब कर रहे हैं, पंचायत विभाग केंद्र सरकार से जो हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। हमारे यहाँ सब स्वस्थों के घर जा रहे हैं क्या कर? अरे एक एक कोरोना सेंटर में आदमी जो है क्वारंटाइन सेंटर में 20-22 दिन 25-25 दिन रह रहा है। एक आदमी 11 तारीख को आया, फिर 15 तारीख को भी उसी में आ रहा है, 3 तारीख को भी आ रहा है। अरे एक तारीख से भैया एक बार में रख के खत्म करो उस क्वारंटाइन सेंटर अभी बहुत। नरेश जी क्वारंटाइन सेंटर लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, 500 के पार हो गए हैं मॉनिटरिंग के लिए, 500 के पार हो गए हैं, कैसे क्वारंटाइन सेंटर खत्म कर सकते हैं? देखिए आप क्वारंटाइन सेंटर खत्म करने वाली बात ही नहीं है। त्रिपाठी जी, केंद्र की गलत नीतियों के कारण हिंदुस्तान के सभी राज्य प्रवासी श्रमिकों के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं, इसके लिए केंद्र दोषी है। केंद्र शुरू में व्यवस्था करता और इन श्रमिकों को घर जाने दे देता तो ये स्थितियाँ नहीं बिगड़ती। आज इनकी मार्च आज स्थिति क्या हो गई, क्या से क्या हो गई राहुल गांधी का तो समझ में आ जाएगा, इनको यही नहीं मालूम है कि। अरे आप राहुल गांधी में कहाँ पहुँच गए? राहुल गांधी आपका देश के प्रधानमंत्री कभी देश के प्रधानमंत्री आज भी प्रेस का सामना करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कम से कम अर्थशास्त्रियों से बात तो कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंदुस्तान ने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है जो प्रेस से डायरेक्ट बात नहीं करते, अपने मंत्रियों से बात नहीं करते, केंद्र की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री आपके हैं। राहुल गांधी जी को क्यों कोस रहे भाई? आपकी व्यवस्था देखिए, पूरे देश में कुछ व्यवस्था कहीं न कहीं गड़बड़ाई है। ऐसी स्थिति में पूरी जवाबदारी प्रधानमंत्री जी की है, राहुल गांधी जी को इसमें कोसने से क्या होगा? राहुल गांधी सरकार में मोदी जी है कि राहुल गांधी है जो सवाल कर रहे हो? सवाल सरकार से होता है, विपक्ष से नहीं होता है। ये नई परंपरा डाल रहे हो आप, ये नई परंपरा बता रहे हो। सवाल सरकार से होता है, विपक्ष से नहीं होता है। सरकार का दायित्व है निर्वहन करना। आप लोग न्यूज चलाते हो कि प्रधानमंत्री आज इस्तीफा देने वाले हैं। चलिए चलिए एक मिनट, अरे हमारा समाप्त हो रहा है, समय हमारा समाप्त हो रहा है। विषय के बाहर जा रहे हो आप, ये विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है।
ये सिग्नल आएगा। चलिए विचार कर आवेश में आ रहे हैं आप, पता नहीं क्यों। जो बदलापुर की राजनीति केंद्र मोदी सरकार कर रही है वो नरेश जी थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं आप, पता नहीं क्यों। अरे घाटिया राजनीतिक दल है, चलिए न्यूज चलाता कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ यही तकलीफ है, जब सर का जवाब नहीं देते है ना तो आरोप बतारों पे आ जाते हैं, मुश्किल ये इनके साथ बैठने में। चलिए विजय जी, विजय जी, नरेश जी एक मिनट, नरेश जी एक मिनट, नरेश जी एक मिनट, विजय जी बल्याणी जी ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं दोनों पक्षों से हाथ जोड़ करके इस बात का निवेदन करता हूं कि वास्तविक में गंभीर महामारी कोरोना है, तो इसको केंद्र और राज्य के झगड़े के रूप में न सोचे। ये कल्पना कीजिए कोरोना पेशेंट या क्वारंटाइन जो पेशेंट है वो मेरे परिवार का, मेरे घर का सदस्य है, भारत का नागरिक है। मैं वल्याणी जी ने अभी कहा ना कि वो 170 करोड़ का विधायक विश्राम गृह रोक दिया गया है। 8 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने स्थल निरीक्षण स्पॉट इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। सरकारी कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कल 146 डॉक्टरों ने त्याग पत्र देने का प्रस्ताव रखा है। मैं आपसे अपील करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि कोरोना वायरस में प्रदेश का सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने प्राण उत्सर्ग करके सेवा करेंगे, लेकिन जो जरूरी कटौती की जा सकती है, जैसे त्रिपाठी जी आप बोल रहे हैं एक मंत्री 5 विभाग के मंत्री है तो उनके साथ 5 गाड़ी 5 ड्राइवर 5 सिपाही और बंगले में 20-20 बड़े बड़े IAS अधिकारियों के बंगले में 10-10 20-20 चपरासी काम कर रहे हैं। एक IAS अधिकारी यदि 5 विभाग का अधिकारी है तो मीटिंग में जाता है तो उसके साथ 5 विभाग की गाड़ियां जाती है। दिल और दिमाग से मितव्ययिता लाना है तो बिना सरकारी कर्मचारी के वेतन कटौती के भी हो सकता है। मैं किसान का बेटा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ। यदि मेरे गांव में किसान कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित है तो उसको पहले जान बचाना जरूरी है कि उसके खाते में पैसा देना जरूरी है, यह भी एक चिंता का विषय है। अभी किसानों को ना देकर उस पैसे को कोरोना वायरस के संक्रमण में लगाया जाना ज्यादा जरूरी था, यह मेरा संगठन का विचार है। चलिए बहुत ज्यादा डॉक्टरों की इस्तीफे की बात झाजी बता दूं वो गलत है, निकली है, डॉक्टरों वाला मामला सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद है आपको, झूठ सिद्ध हो गया वल्याणी जी, आपका झूठ सिद्ध हो गया। चलिए चलिए समय हो गया है, लेकिन विजय जी उन्होंने कह दिया कटौती नहीं होगी, इसलिए आप धन्यवाद दे चुके हैं। उन्होंने कह दिया विधायक साहब बिल्कुल धन्यवाद माननी, और रहा सवाल इसका जी को रमेश वल्याणी जी को, रहा सवाल इसका अगर वहाँ कर्मचारियों अधिकारियों के आवास बन रहे हैं तो ये तो आप मानते हैं आगे चल आगे समय में आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की निश्चित रूप से मितव्ययता बढ़ेगी, क्योंकि 25 किलोमीटर जाना 25 आना ये एक तरह से अपव्यय ही है। सही बोल, अरे सही बोल दो ना तो बंद कर। त्रिपाठी जी आ जाए गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ता है तब हम महंगाई भत्ता मांगते हैं भाई, हमको महंगाई भत्ता लेने का शौक नहीं है। 10 साल में जितना महंगाई भत्ता मिला उसको वापस ले लीजिए, और जो बाजार में मार्केट रेट था उसको लागू कर दीजिए, पूरा प्रदेश का कर्मचारी आपको धन्यवाद देगा। चलिए धन्यवाद बल्याणी जी दे रहे हैं, विजय जी बहुत ज्यादा अच्छा, आप धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए नरेश जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बल्याणी जी आपका भी, बहुत बहुत हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। अग्नोत्री जी माफ करिएगा आपका नंबर ही नहीं आया, कोई बात नहीं। तो कोरोना आपदा के चलते छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है, ऐसे में वो खर्चों में लगातार कटौती करने में लगी। हाल ही में अधिकारियों कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोकने के अलावा कई बड़े फैसले किए गए। वहीं वित्त विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव दिया है। हालांकि सरकार से जुड़े जो सूत्र हैं उनसे पता चला है कि सीएम भूपेश बघेल इस प्रस्ताव से फिलहाल सहमत नहीं है। वैसे वित्त विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास ही है, लेकिन अब तक उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मगर कोरोना संकट अगर इसी तरह बना रहा तो संभव है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 30% तक की कटौती कर दी जाए। वैसे फिलहाल जिस तरह से इस मामले को लेकर कर्मचारी और विपक्ष विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि सरकार के लिए ये बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होगा। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश पर करते हैं, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव की जंग है जो ये तय करेगी कि राज्य में किसकी सत्ता रहेगी। तो अब बात करते हैं सत्ता के।